आराम से जोर से बोल, किसको दिया था बुर्का? दिखा बुर्का, दिखा। ऋषिका को दिया था? कभी दिया था? जोर से बोलना, जोर से बोलना। कभी दिया था? दस बार बोलूं। संडे को दिया था? कभी दिया था? तूने संडे को बुर्का दिया था? आज कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। कभी भागने वाला था? पीछे तक, तो बुर्का क्यों दिया था? पीछे चार। प्यार करता था। मीरा भाईंदर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की गई और उसे इस्लाम कबूल करने की फर्जी बंदूक से धमकी भी दी गई। भाईंदर पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अभी भागने वाला था? पीछे तक, तो बुर्का क्यों दिया था? पीछे चार। प्यार करता था, इसके लिए दिया था? रोज के पहनने के लिए दिया था। बिना बुर्का का नहीं चल सकता था? अरे चल सकता था, लेकिन उसने बोला था ना अच्छा लगता है फिर मार खाएगा। चल ठीक है, ये बोला था, ये लड़की बोली थी। बोला था लड़की? बोली थी बुर्का चाहिए? ठीक है, लड़की बोली थी, तू बोला था ना अभी मैं दिया था? हाँ मुकेश बात सुनने का, अभी तू बोला था ना मैं दिया था। पीड़ित लड़की की उम्र 13 साल बताई जा रही है, जो भाईंदर की रहवासी है। 1 जून से दो युवक मुनावर मंसूरी और अजीम मंसूरी उसे देख रहे थे और अश्लील बातें करने की कोशिश कर रहे थे। मुनावर ने लड़की को यह भी कहा कि बुर्का पहन कर आना, हम शादी करेंगे, लेकिन पीड़िता ने उसे मना कर दिया। इसके बाद मुनावर ने पीड़ित लड़की को फर्जी पिस्तौल दिखाकर धमकाया और बुर्का पहनने और इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर उसे धमकी दी। पीड़िता लड़की ने यह बात अपनी मां को बताई। यह घटना सुनने के बाद लड़की की मां भाईंदर पुलिस थाने में जाकर उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाई। इस पूरे मामले पर DCP जयंत बजबले ने हमें जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। भाईंदर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये परवा रात्रीच्या वेळेला एक लहान मुलगी आहे 13 वर्षाची, तिच्या बाबतीमध्ये जबरदस्तीचा किंवा 354 सारखा प्रकार झाल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली होती। त्याच्या अनुषंगाने तात्काळ पोलीस निरीक्षक चव्हाण आणि त्यांच्या टीमने तिथं त्या आलेल्या लोकांच्याकडून फिर्याद पण घेतली आणि त्या आरोपींनाही ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये अशी घटना तक्रार आमच्याकडे दाखल आहे की जी मुलगी आहे ही 13 वर्षाची आहे आणि त्याच परिसरामध्ये राहणारे 2 युवक आहेत आणि त्यांनी तिला जबरदस्तीनं दुसऱ्या धर्मामध्ये येण्याचं तिला धमकी दिली आणि त्याचबरोबर तिच्याशी गैरवर्तणूक म्हणजे जे विनयभंगासारखा प्रकार तिच्यासोबत केलेला आहे आणि त्या मुलीला हे देत असताना इतर काही लोकांनी पाहिल्यामुळे त्यांना ट्रॅप करून रेड हँड पकडलं होतं आणि अशा पद्धतीनं त्या सगळ्यांनाच पोलीस स्टेशनला हजर केल्यानंतर त्यांची तक्रार दाखल करून घेऊन त्याच्यामध्ये भाईंदर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। दोन्ही आरोपींना त्याच्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे, त्यांना पोलीस कस्टडी रिमांड मिळाली होती आणि सध्यापर्यंत ते पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये आहेत। याच्यामध्ये एक नकली पिस्टलचा वापर केल्याचं फिर्यादीचं म्हणणं होतं, ते नकली पिस्टलही जप्त करण्यात आलेलं आहे। अभी तक के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मुंबई टेलीविजन की खबरें आप तक पहले पहुंच सके।